believe you. चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से मिल रही है, जहां सही सुना आपने, बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने और कई बच्चों के चोरी होने की पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। इसको लेकर कोई इसे सच मान रहा तो कोई सिर्फ अफवाह मान रहा, लेकिन होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के बिल्थी गांव में हुई एक घटना ने फिर सोचने को मजबूर कर दिया। अपहरणकर्ता से 3 साल के भाई को बचाने में सफल रही 8 साल की बहन। बिल्थी गांव में 3 साल के बच्चे को उसकी 8 साल की बहन के सामने 4 पहिया वाहन में सवार दो युवकों ने उठा ले जाने की कोशिश की। इसके बाद लड़की ने कहा वहां से गुजर रहे वाहन चालकों से गुहार लगाई और वो अपने भाई को बचाने में सफल रही। पूरे घटनाक्रम में बच्चे का अपहरण कर रहे दोनों युवकों फरार हो गए। आपको बता दें कि दोनों बच्चों के माता पिता बच्चों को लेकर सिवनी मालवा थाने पहुंचे। वहां बच्ची ने आपबीती पुलिस को सुनाई, जिसके बाद थाना प्रभारी अजय तिवारी ने 2 टीमें गठित की, जिन्हें दोनों युवकों की तलाश के लिए भेज दिया। पुलिस की टीम अलग अलग रास्तों पर वाहन चेकिंग सहित सभी वाहनों पर नजर बनाए हुए थी। तुरंत बाद बच्चे के अपहरण की घटना पूरे नगर व ग्रामीण क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। पालकों से लेकर अब स्कूल संचालकों तक बच्चों को लेकर चिंतित हो गए हैं। तो वहीं पुलिस के लिए अब इन बच्चा चोर गिरोह के युवकों को पकड़ना एक बड़ी चुनौती का विषय बन गया है। बेटा क्या मामला है, क्या हुआ रहा? सर हम जब स्कूल जा रहे थे, हम दोनों बहन भाई हाथ पकड़ के, तो एक जीप में दो भैये बैठे हुए थे, वो स्पीड में जीप लाके हमारे पास रोक के और मेरा भाई का हाथ पकड़ के और जीप में बैठा रहे थे। तो मैंने उसका हाथ पकड़ के खींच रही थी, तो जो सामने एक व्यक्ति जा रहा था, तो हमने उसे बोला कि भैया मेरे भाई को बचा लो। तो वो मेरे पास आ रहे थे दौड़ते, तो जीप लेकर वो भैया उन भाग गए, छोड़ के भाग गए। हाँ, कौन सा कलर की, कौन सा रंग की जीप थी? सफेद कलर की थी। मामला ये हुआ कि ये दोनों बहन भाई थे, अपने पड़ोसी है, ये स्कूल को जा रहे थे, तो करीब 10:30 के आसपास में बोलेरो गाड़ी आई थी, जिसमें 2 व्यक्ति थे और इस बच्चे के भाई को पकड़ के वो गाड़ी में बैठाने लगे थे। तो ये बच्ची ने हाथ पकड़ के उसका खींचने लगी और इतने में एक व्यक्ति जा रहा, तो उसको चिल्लाई जोर से कि भैया दौड़ो, और मेरे भाई को पकड़ के ले जा रहे हैं। तो इतने में वो भाई दौड़ता आया, जब तक वो गाड़ी लेकर भगा लिए। और वो गाड़ी वाले 3 रोज से, मेरे को अभी सूचना मिली थी कि वो बोलेरो गाड़ी है, वो 3 रोज से इस गाँव में चक्कर लगा रही थी। तो देखने वाले ने देखे भी है कि 2 व्यक्ति है उसमें और 3 रोज से वो गाँव में घूम रहे हैं। अभी तक तो शिकायत नहीं थी कि अपन ने पहचानते नहीं थे कि किसकी गाड़ी आती जाती होगी गाड़ी। आज शिकायत करी हमने, सिवनी मालवा थाने में आए हैं, अभी हम थाने में खड़े हैं और इनकी सूचना दी चुकी है।